टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट विद द कंक्लूजन ऑफ द इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट वी विल सी कॉन्क्रीट प्रोग्रेस इन इन्वेस्टमेंट बिटवीन आवर टू कंट्रीज। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बायलैटरल कोऑपरेशन इन द डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवन ऑन ग्लोबल इश्यूज वी कोऑपरेट क्लोजली। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। वी बोथ शेयर सिमिलर व्यूज ऑन द इंडो पैसिफिक एंड एट द बायलैटरल लेवल एज वेल एज विद लाइक माइंडेड कंट्रीज वी कंटिन्यू टू वर्क टू प्रोटेक्ट आवर कॉमन कंसर्न्स। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। द क्वाड एंड द आईपीएफ आर टू इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कोऑपरेशन एंड आई बिलीव दैट आवर डिस्कशंस टुडे विल गिव इवन फर्दर स्पीड टू दिस पॉजिटिव मोमेंटम। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट द इंडिया यूएस फ्रेंडशिप विल कंटिन्यू टू बी अ फोर्स फॉर गुड फॉर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट एंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। Mr. President, will you please Prime Minister Modi to take a tougher stance?